हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रिव्यू ऑफ विक्रम वेदा। दोस्तों, हिचकॉक बहुत सही बात बोल दी थी उन्होंने एक बार, बेटर द विलन बेटर द स्टोरी। और एग्जैक्टली यही केस है विक्रम वेदा का। हमारा जो विलन है वो बहुत पावरफुल है, हम उसकी साइड पर हैं, बहुत ही स्मार्ट है, वो हीरो से वन स्टेप अहेड है। तो जितनी भी एक्शन मूवीज़ होती हैं उनको ड्राइव करता है एक विलन। और जब ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं कि आपको पता ना लगे कि कौन सही है कौन गलत है, जो वो लाइन है सही गलत की वो ब्लर हो जाती है, कैरेक्टर्स ऑफ ग्रे आ जाते हैं, तो वो मेरे को तो बहुत पसंद है ऐसी स्टोरीज़। और अगर आप बोलेंगे कि ऐसी स्टोरीज हमने पहले भी बहुत देखी हुई हैं अमिताभ बच्चन की 80s में, जब वो गलत काम करते हैं लेकिन उनका जो रीज़न है वो सही होता है, और अभी पुष्पा भी आई थी रिसेंटली, तो वो सब तो इस मूवी में है ही है। लेकिन और एलिमेंट एक्स्ट्रा इसको डिफरेंट क्या बनाता है, वो है जो एक विक्रम बेताल का जो कॉन्सेप्ट लिया है उन्होंने, कि वेदा जो हैं, वेदा बेताल, वो विक्रम को एक स्टोरीज बताते हैं कुछ, और विक्रम पूरी ये नॉलेज रखते हैं कि ये मुझे शायद धोखा दे रहा है या फिर गलत मिसगाइड कर रहा है, सो दैट ही कैन जस्ट गेट अवे। लेकिन उसके बावजूद वो स्टोरीज इतनी पावरफुल होती हैं और इतनी कॉन्फ्लिक्ट होती हैं कि जिसमें इतना धर्म संकट क्रिएट हो जाता है कि विक्रम मजबूर हो जाते हैं उस पर सोचने के लिए। और ना ही वो बैक स्टोरी रिवील करती हैं वो स्टोरीज, बल्कि आगे विक्रम को के लिए भी एक क्ल्यू छोड़ देती हैं। तो इतना जो कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट है, धीरे धीरे एज एन ऑडियंस हम सेकेंड गेस ही करते रहते हैं कि आगे क्या हुआ, पहले क्या हुआ होगा या आगे क्या होगा। और जब हम कैचिंग अप करते हैं तो स्टोरी एक और आगे पहुंच जाती है, हमें एक और सरप्राइज बूम पता चलता है कि अच्छा ये भी है। तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंगली क्रिएटेड प्लॉट। और अब वेदा भी स्टोरीज उनको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उनको भी विक्रम से कुछ चाहिए है। और मूवी के एंड में तो इतनी लाइन ब्लर हो जाती है कि कौन सही है कौन गलत है कौन विलन है। तो आई थिंक हैट्स ऑफ, जहाँ पर दो कैरेक्टर्स जो हैं वो मिरर इमेज हैं, वो नेचर वाइज बिल्कुल सेम हैं लेकिन उनके गोल्स अलग अलग हैं। सैफ अली खान का गोल क्या है पुलिस डिपार्टमेंट में, इनकाउंटर करना, फेक इनकाउंटर्स कर देना और जितना भी क्राइम है उसको ख़त्म करना। और ऋतिक रोशन का पर्पस क्या है वो धीरे धीरे रिवील होता है स्टोरी में। इसका जो थीम है वो पूरा विक्रम बेताल की स्टोरी पर शुरू में ही एक बहुत ही अच्छे एनिमे के थ्रू दिखा दिया गया है। और ये एक डायरेक्टर का एक मिसलीड करने का तरीका भी हो सकता है, जिससे हम सोचें कि जितनी भी स्टोरीज बेताल विक्रम को इस कहानी में, हमारी विक्रम वेदा में बताएगा, तो वो शायद झूठ होंगी और विक्रम को फंसाने के लिए बताया गया। दोस्तों, इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो बहुत ही इफेक्टिव है, स्पेशली जब एक्शन सीन्स में पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक आता है, और जो थीम को बहुत जस्टिफाई करता है, जितने भी कैरेक्टर्स ऑफ ग्रे, क्या काला क्या सफ़ेद, जो एक म्यूज़िक है वो बहुत ही एप्ट रहता है और वो थ्रू आउट द मूवी फ्रॉम सीन वन टू द लास्ट सीन वो स्टिक रहता है अपनी थीम पे। और जो बाकी कैरेक्टर्स भी हैं मूवी में, उनका हर एक का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है। स्टार्टिंग में एक बहुत अच्छा एक वर्ल्ड बिल्डिंग हो जाता है कि पुलिस की जो उनकी एक टीम है उसमें कौन से कैरेक्टर्स हैं। वो शुरू के 5 मिनट फर्स्ट केस जब वो एक सॉल्व करने जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक केस होता है, उसी में सब कैरेक्टर्स के बारे में रिवील हो जाता है। कुछ ऐसे डायलॉग्स आते हैं जो तभी भी इंटरेस्टिंग तो लगते ही हैं, लेकिन बाद में उनका एक और लेयरिंग जो पता चलती है कि वो क्यों यूज़ हुए थे और क्या उनसे रिवील होता है, वो बाद में भी एक लेयर ऐड होती है। तो वो सारा वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत अच्छा हुआ है। और ऋतिक रोशन की एंट्री होती है थोड़ी बाद हमारे विलन को, बहुत ही आराम से थोड़ी हाइप क्रिएट करके, घ्यू कितना खूंखार विलन है और कितने ख़तरनाक तरीके से मर्डर्स करता है, उसके बाद और जो हाइप होती है वो पूरी वर्थ इट होती है। जब उनकी एंट्री होती है, उनकी जो पर्सनालिटी, और वो आते ही कुछ ऐसा कर देते हैं कि जो बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है, तो वो एक और सरप्राइज पे सरप्राइज, एंड यू जस्ट कीप क्वेश्चनिंग कि क्यों हो रहा है, और फिर यू आर कैचिंग अप, एंड व्हेन यू आर कैचिंग अप बूम एक और सरप्राइज। तो ऐसा ही पूरा इंटरेस्टिंग चलता रहता है। दोस्तों, इस मूवी में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, प्लॉट रिवर्सल्स हैं कि कुछ और हो रहा है, होते होते कुछ और हो गया, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं थ्रू प्लॉट्स, एंड बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं थ्रू कैरेक्टर्स चॉइसेस। और इन सब के बीच में एक और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है सैफ अली खान के घर पे, क्योंकि उनकी जो वाइफ हैं राधिका आप्टे, वो एक लॉयर हैं और वो वेदा का केस लड़ रही हैं। अननोइंगली उनको पता भी नहीं चलता, लेकिन इट सो हैपन्स कि नाउ शी इज़ फाइटिंग वेदास केस। तो एक वो एक अलग कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है उनके घर पे। और उसमें उन्होंने बिल्कुल भी क्लीशे नहीं दिखाया कि वो लड़ाइयाँ होने लग जाएं जो टिपिकल हम दिखाते हैं, वो उनमें रोमांस फिर भी कंटिन्यू रहता है, दे हैंडल इट विद मैच्योरिटी, लेकिन उनके बीच में एक थोड़ी टेंशन भी होती है, तो दैट इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुली शोन। तो दोस्तों, आई स्ट्रांगली रिकमेंड, मेरी तरफ से तो पूरी हाँ है इस मूवी को,
आप ज़रूर जाकर थिएटर में देखिए और थिएटर में ही देखिए, बिकॉज इट डिज़र्व्स. जो भी एक्शन, बैकग्राउंड स्कोर और एक्टिंग है उसका, डेफिनेटली आपको ज़्यादा मज़ा आएगा एज़ कम्पेयर टू जब भी आप टेलीविज़न पे देखें. तो मिलते हैं अगले रिव्यू में. प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे शेयर करो. बाय.